व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। और आज हम जा रहे हैं आज इनके डी वाई पाटिल कॉलेज लोहेगांव पुणे, नाम की तरह कॉलेज भी बड़ा होएगा, देखेंगे आगे चलते। और हम आज ओला लेके जा रहे हैं 55, 54, 53, 51 के स्पीड से। और ये खरेड़ी बाईपास का रोड जो कि हम जा रहे हैं, जाने में आई थिंक 8 or 9 किलोमीटर है खरेड़ी से आज इनके डी वाई पाटिल। और ये जो बंदा है वो शायद जंप करके आया था रोड पे, ऐसा नहीं करना चाहिए यार। रूल्स फॉलो कीजिए, आपने जेब्रा क्रॉसिंग के से ही क्रॉस कर लीजिएगा रोड। और आज 6 सितंबर जो कि है कृष्ण जन्माष्टमी, जिसकी आपको लाख लाख बधाई। और आज हमारे माखन चोर जो है वो जन्म लिया था उन्होंने। एक्चुअली उसका डेट का कुछ कंफर्मेशन नहीं था, क्योंकि जन्माष्टमी 6 को ही मनाई जाती है, पर इस साल आई गेस कि 6 तारीख को रात 12 बजे से चालू होने वाली थी, तो 7 सितंबर को ही मना रहे। बात बात करते करते वागुली से सीधा जा रहे थे, भूल गए कि इधर से हमें जो है लेफ़्ट लेना था लोहेगांव फॉरेस्ट पार्क की। और ये फॉरेस्ट पार्क जो इतना डेंस और फुल ऑफ ग्रीनरी है, इधर आई गेस रिजर्व फॉरेस्ट ही है, तो ये इस सीनरी इंजॉय करते करते और बातें करते करते हम दोनों जा रहे थे। और जो डे था अपना वो ठीक से ही शुरू हुआ था कॉलेज को, आज छुट्टी नहीं थी, पर छुट्टी ले ली ये दोस्त के लिए छुट्टी का, यार जान भी हाजिर है। इतना बोलते उसने गाड़ी फास्ट कर दी, बाल की धज्जियाँ उड़ गई थी और कुछ बोल नहीं सकते थे। उतने में एक एरोप्लेन दिख गया जिसकी शूटिंग मैंने ले ली थी। एरोप्लेन आ रहा था, शायद लैंडिंग ही कर रहा होगा मे भी, क्या बकचोदी कर रहा हो यार। जैसे कि हमारी लाइफ से स्कोप गायब हो गया है, वैसे वो एरोप्लेन गायब हो गया 5-10 सेकेंड में ही। वैसे हमें जाने को तो और 15-20 मिनट लग रहे थे, और वैसे मौसम तो अच्छा था, आज धूप भी तो नहीं थी। और इस साइड में आने से ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है, और इसी जो खुशबू है मिट्टी की वो छू जाती है यार दिल को। गांव में जैसे होता है ना, वैसे ही फील आती है इस जगह पे। ऐसे घर पुराने साइड से, पुराने तो नहीं है पर उनका जो तरीका था वो पुराना लगा, बाद में तो अच्छे अच्छे घर थे, बढ़िया से। गांव बोलने को वो पुणे के अंदर ही आता है, जस्ट 6 किलोमीटर्स फ्रॉम खराड़ी। ये जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज का मंदिर था जो बहुत ही सुंदर था। अंदर जाना था पर दोस्त बोल रहा था कि कुछ अर्जेंट काम है उसे, तो नेक्स्ट टाइम जाएंगे ज़रूर। ये अपने लोहेगांव हिल्स थे जो दिख रहे थे, तो मैंने कैप्चर कर लिया अपने कैमरे में। बोलते बोलते बातचीत करते हुए हम कॉलेज की एंट्री से आई गेस सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर थे, और फाइनली हम कॉलेज पहुंच गए आज इनके डी वाई पाटिल यूनिवर्सिटी, द इनोवेटिव यूनिवर्सिटी जिसे कहते हैं। वॉचमैन ने हमें पकड़ लिया और पूछ रहे थे कि कहाँ जाना है और क्या करना है, तो आई एम सॉरी बट वीडियो इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन दिस कॉलेज। इस वीडियो शूटिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं थी इस कॉलेज में, पर सालों आपके लिए किया है तो एक सब्सक्राइब तो बनता है। ये थी अपनी अजिंक्य डी वाई पाटिल यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, और इसके सामने एक मॉडल जेट प्लेन सा बना रखा था। बादल तो जैसे बरस बरस गिरने वाला था ऐसा लग रहा था, पर नहीं गिरा। ये था बेल इफ़ यू आर हैप्पी इंजीनियरिंग लेके, वैसे कौन ही हैप्पी होएगा, आई डोंट नो, कमेंट कीजिए जो इंजीनियर है और वो हैप्पी है। और ये था डी वाई पाटिल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, सो दिखने में बहुत बहुत अट्रैक्टिव थे प्लांट्स, और ये जो कलर है कॉलेज का बहुत ही अट्रैक्टिव था, और स्कूल जैसी फीलिंग आ रही थी, ऐसा लग रहा नहीं था कि कॉलेज है, क्योंकि डी वाई पाटिल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग लिखा था। और बिल्कुल ऐसे अच्छी, मतलब मेंटेन किया था सब, जो प्लांट्स थे और जो ग्रीनरी उन्होंने मेंटेन की रखी थी, और क्लीननेस, आई विल गिव 100 on 100 फॉर क्लीननेस, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कुछ था उस कॉलेज में जो मार्क कर सके कि कुछ था ही नहीं, इतनी क्लीननेस थी। और ये जो मिसाइल किया था इन लोगों ने, आई गेस प्रोजेक्ट ही होगा स्टूडेंट्स का, सो प्लीज़ इग्नोर द वे ऑफ रिकॉर्डिंग, क्योंकि
नहीं था अलाउड वीडियो रिकॉर्डिंग कॉलेज में, चुपचाप से लिए आपके लिए। और ये जो है प्लेन था, प्लेन बना रखा था कुछ अच्छा था। और ये मुझे नहीं पता है क्या काउस क्या कर रहे हैं इस मैदान में, बट आई थिंक रहेगा कुछ, आई डोंट नो, इग्नोर। उधर से फिर एयरपोर्ट आ गए हम, एयरपोर्ट से घर जा रहे थे कि दोस्त, मैं गाड़ी चला रहा था, दोस्त को कैमरा दिया था। और ये अपना सिम्बायोसिस कॉलेज विमान नगर का, बहुत बोलने में तो बोलते हैं कि यार अच्छा है, देखा नहीं कभी अंदर से, देखेंगे। अभी उधर कुछ काम होगा तो उधर का भी व्लॉग डालेंगे, जल्दी ही डालेंगे, मिल गया तो। बात बात करते हुए हम आ गए, बर्गर ठूस रहे थे। ये अपना फर्स्ट बर्गर था लाइफ का, जिधर मैंने फर्स्ट टाइम खाया था उधर ही आज गए थे। फर्स्ट मीन्स उधर का फर्स्ट था लाइफ में, पहली बार उधर खाया था। तो दोस्त बोल रहा था कि कुछ कंपटीशन है, आतरो प्लस साउंड और एसडी ऑडियो साउंड में कुछ कंपटीशन चल रहा है, तो देख के आएंगे। तो ये जो था वो आतरो प्लस, इसका सेटअप था, लाइट्स वाइट सही थे सब। और आगे देखेंगे क्या होता है।
उधर होने के बाद हम वडगांव श्री आ गए थे और ये था वहाँ का व्यू। जमलेल्या सर्व नागरिकांना मनापासून मी दहंडीच्या शुभेच्छा देतो आणि मंडळाच्या वतीने अतिशय शांततेच्या माध्यमातून हा दहंडी उत्सव पार पडेल एवढी सर्व मंडळाच्या कार्यकर्त्यांकडून अपेक्षा करतो। और आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और थैंक यू।